नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, पिछली बार हमने बायोलॉजी का एक चैप्टर देखा था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और अभी हम क्लास 9 पे हैं। पिछली बार हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 किया था, अब हम चैप्टर नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है टिश्यू। टिश्यू यानी कि ऊतक। दोस्तों, हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था कोशिका, यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने कोशिका और कोशिका में पाए जाने वाले सभी अंग जैसे गॉल्जी उपकरण, रसधानियाँ, अंतर्द्रव्यीय रसधानी या अंतर्द्रव्यीय जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम इत्यादि के बारे में हमने पढ़ा था। तो दोस्तों, इसी के अगले पार्ट में जो चैप्टर है कोशिका, हम उसमें आगे बढ़ते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो ये चैप्टर है ऊतक, ऊतक क्या होता है। पिछली बार हमने पढ़ा था कि कोशिकाओं के बारे में, वो हमारे शरीर की कार्यात्मक इकाई होती है, सबसे छोटी से छोटी कार्यात्मक इकाई, और हमारे जीवन की संरचनात्मक इकाई भी कोशिका होती है। आज हम जो पढ़ेंगे ऊतक, वो कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जो हार्ट है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, लेकिन वही छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह बाद में ऊतक कहलाता है, जो कि किसी भी कार्य को हमारे शरीर में करता है। तो आज हम ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्य को ही संपन्न करने में सक्षम होती है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो अगर आपसे पूछा जाए कि ऊतक अमीबा में मिलेगा, यानी जो टिश्यूज़ होते हैं हमें अमीबा में मिलेंगे, या बहुकोशिकीय जीवों में बहुकोशिकीय जीव जैसे जंतु हो गए या पौधे हो गए, तो आपका जवाब होगा कि पौधे या जंतु, क्योंकि अमीबा में एक ही कोशिकाएँ हैं, जबकि ऊतक कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। तो इसे ध्यान से आप देखिएगा गाइज। आगे देखिए, कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्यों में पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं, रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करती हैं। तो दोस्तों, आपको पता चलता है कि जो मनुष्य में पेशी है ऊतक होती है, जो फैलती है सिकुड़ती हैं, और जो संदेश भेजने के लिए, अगर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संदेश भेजने के लिए मानव शरीर में या जंतु शरीर में कौन सी कोशिकाएँ होती हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा तंत्रिका कोशिकाएँ। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कोशिकाओं या ऊतक का नाम बताएं जो वहन का कार्य करती हैं, तो यह तो उसका आंसर है रक्त। ये किस किस का वहन करती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे, एक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाती है, तो ऑक्सीजन को, भोजन को, भोजन का मतलब जो से अवशोषित पदार्थ, ऊर्जा, प्रोटीन, इस प्रकार के पदार्थों को, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करती है। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, अतः बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। दोस्तों, ये बात हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कोशिकाओं में के जो बहुकोशिकीय होती हैं, उसमें जो उनका कोशिकाओं का विभाजन होता है, वो श्रम के अनुसार, उनके अपने अपने श्रम या कार्यों के अनुसार होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में कार्य करती हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके फेफड़ों के जो कोशिकाएं हैं, वो आपके पैरों की कोशिकाओं में नहीं जा सकते, वो फेफड़ों में ही रहेंगे। अगर हृदय की गति करने की जो कोशिकाएं हैं, वो अपना समूह हृदय में ही बनाएंगे, आपके त्वचा में नहीं बनाएगी, यानी कि सभी का अपना अपना एक विशिष्ट वर्ग होता है, समूह होता है। कोशिकाओं का ये समूह ऊतक कहलाता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हम आगे भी पढ़ेंगे, मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि कोशिकाएं होती हैं छोटी छोटी इकाई जो कार्य करती है, कोशिकाओं को जोड़ जोड़ के ऊतक बनता है, ऊतकों को जोड़ जोड़ के पूरा का पूरा एक अंग बनता है, और अंगों को जोड़ जोड़ के एक पूरा अंग का सिस्टम बनता है। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, देखते हैं। ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी ऊतक के उदाहरण है, यानी कि जो रक्त है वो भी उदाहरण है आपका ऊतक का, फ्लोएम भी है तथा पेशी भी है। फ्लोएम जो होता है वो पौधों के अंदर
वाहिकाएं कोशिकाएं होती हैं जो फूड यानी कि भोजन को एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने में सहायक होती हैं। ये पौध फ्लोएम पौधों में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, वे कोशिकाएं जो आकृति में समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। अभी हमने पढ़ा कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। क्या पौधे और जंतु की एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? तो देखते हैं, दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं, चूंकि उन्हें सीधा खड़ा रहना होता है, अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में अभी हम थोड़ा अच्छे से आपको समझाएंगे कि मृत कोशिकाओं से कैसे बनी होती हैं, मगर फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि सहारा प्रदान करने के लिए मृत कोशिकाएं किसमें होती हैं, आपको ऑप्शन दिया जाए पौधों में, जंतुओं में, इनमें से कोई नहीं, या दोनों में, तो आपका आंसर हो जाएगा पौधों में। दूसरी ओर जंतु भोजन साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि वृक्ष खड़े रहते हैं एक जगह, जबकि मनुष्य इधर से उधर भ्रमण करते हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और उनके जो कोशिकाएं हैं अधिकतम वो ऊतक या कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवित होती हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूपों में एक भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं के साथ ऐसा नहीं होता। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतकों यानी पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया है। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम देखते हैं कि पौधों के सभी भागों में वृद्धि नहीं होती है, वो ऊपर की तरफ ही बढ़ता है, नीचे की तरफ यानी तने से नहीं बढ़ता है, वो मोटा होता जाता है, पर वो वृद्धि नहीं होती है। वही होती है जो मृत कोशिकाओं का जमाव होता है, जो कि कठोर होता है, उसका जो बाहरी भाग होता है पेड़ का, वही मृत कोशिकाएँ जो बन बन के आपस में इकट्ठी होती जाती हैं, उसको पेड़ों को सहारा प्रदान करती हैं, लेकिन उसकी वृद्धि ऊपर की ओर ही होती है। जबकि मनुष्य के शरीर में ऐसा नहीं है, उसमें जो वृद्धि है वो सभी तरफ समान रूप से होती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे आराम से, चलिए इसमें ये बता देता हूँ आपको कि पौधों में जो ऊतकों का वर्गीकरण किया गया है वो किस तरीके से किया गया है। वृद्धि या विभिज्योतक ऊतक था स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक वही है जो पौधों के उस भाग में जमा होते हैं जहाँ पे उनका वृद्धि नहीं होता है, और वृद्धि या विभिज्योतक वो ऊतकें होती हैं जो वृद्धि करने में सहायक होती हैं वृक्षों के। विभिज्योतक का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का विभाजन होकर के बढ़ना। तो दोस्तों, इसे आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा, इसमें वही है जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से बताया है, आप पढ़ जरूर लीजिएगा इसे एक बार पॉज करके। ये देखिए दोस्तों, पादप उदक उत्तक यानी कि विभिज्योतक उत्तक जो है, आपको ये भी आगे हम पढ़ेंगे, ये बस आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया है। दो प्याजों को, एक में आप देख रहे हैं कि ये बढ़ोतरी हो रही है जबकि एक में छोटा है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ये मूल वृद्धि के तरीके दिखाए गए हैं कि पादपों में किस तरीके से होते हैं, इसे भी आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है, ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। यानी कि पौधों में जिन भागों में वृद्धि होती है सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि विभाजित ऊतक जो होते हैं वो उन भागों में पाए जाते हैं, और ऐसे ऊतकों को विभिज्योतक ऊतक या फिर मेरिस्टमैटिक टिश्यूज भी कहा जाता है। विभिज्योतक किस भाग में स्थित है? विभिज्योतक की स्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम, पार्श्विया तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। विभिज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभिज्योतक की तरह ही होती हैं, लेकिन बाद में वो बदलती रहती हैं अपने कार्य के अनुसार, या बाद में मृत भी होती जाती हैं। दोस्तों, इस लाइन को देखिए, इससे आप काफ़ी समझ जाएंगे कि विभिज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभिज्योतक की तरह होती हैं,
लेकिन जैसे ही ये बढ़ती और परिपक्व होती हैं, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, जो ये पौधों का आपका ये आपको एक तरीके से दिखाया गया है कि नीचे ये यहाँ पर पार्श्व विभाजक है, पीछे की ओर ये अंतर्विष्ट विभाजक विभाजितक है, और ये शीर्षस्थ। तो जो शीर्षस्थ होता है यहाँ पे विभाजन होता है, और ये विभाजन होके फिर बाद में बढ़ते जाते हैं, और जिस जिस तरीके से बढ़ते हैं इनकी ऊपर की लंबाई, ऊपर ये कम पतला होता है जो बाद में लंबा होता जाता है, और ये नीचे फिर इस वाले भाग की तरह बदलता है जिसमें जो आदि ऊतकें मरने लग जा मर मृत होकर के इनके इस वाले हिस्से में साइड में जमा होती जाती हैं, और सबसे लास्ट फिर ये इस कंडीशन में पहुंच जाती हैं जहां पर पार्श्व विभाजक तक यहाँ आकर के कठोर बन जाता है, उनकी वृद्धि रुक जाती है। हम इसके बारे में और आगे देखते हैं। शीर्षस्थ विभाजक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है, वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पौधों में जो लंबाई या वृद्धि को के कारक का कारक जो है वो क्या है, तो कौन सा ऊतक है, ये वो विभाजक ऊतक है जो जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भागों में पाया जाता है। तने की वृद्धि परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभाजक कैम्बियम के कारण होती है। ये देखिए दोस्तों, कुछ पौधों के अंदर के भागों के बारे में बताया गया है। आप इसे एक बार पॉज करके जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, विभाजक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होता है, इसीलिए वो ढंग से वृद्धि कर पाते हैं। उनके पास राजधानी नहीं होती है। दोस्तों हमने पिछले चैप्टर कोशिका में पढ़ लिया था कि राजधानी क्या होती हैं, जो पोषण पदार्थ का संचय का काम करती हैं और ट्रांसपोर्टिंग का। आगे देखते हैं स्थायी ऊतक। अब देखते हैं दोस्तों, स्थायी ऊतक किसे कहा जाता है। विभाजक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है, ये विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। ये स्थायी ऊतक वही है जो भी हमने पढ़ा है, ये विशिष्ट कार्य करती है, यानी जो भी विभाजक के बाद ऊतकें बनती हैं वो एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति खो देती है, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। अभी मैंने बताया था कि ऊपर की तरफ वो विभाजित होती जाते हैं, फिर जिस तरीके से वो बाद में वो उनकी शक्ति जो विभाजित होने की खत्म होती जाती है, वो तनों के एंड में जमा हो जाती हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। तो आप याद रख लीजिएगा, विभेदीकरण किसे कहते हैं, आप एक बार पढ़ भी सकते हैं इसे दोबारा से। विभिज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। पौधों में केवल एक ही प्रकार की स्थायी ऊतक नहीं पाया जाता है, कई प्रकार के स्थायी ऊतक पाए जाते हैं पौधों में, जिनका जो प्राइमरी स्टेज या जो स्टार्टिंग में वो विभिज्योतक होते हैं, वृद्धि करने के लिए उनका खंडन होता है, और बाद में वे स्थायी ऊतक बन जाते हैं। आप देख सकते हैं इसका, इसमें वो सारी चीज़ें दी हैं, मज्जा किरण, जाइलम, संवहन मंडल, कैम्बियम, फ्लोएम जो फूड को पहुंचाता है, जाइलम जो जल को लेके जाता है, एपिडर्मिस। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, इसके बारे में हम सभी आगे डिटेल से ज़रूर जानेंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सरल स्थायी ऊतक दिया हुआ है। एपिडर्मिस अभी हमने देखा था पौधों की ऊतकों के अंदर या उसके भाग में एपिडर्मिस, उसके नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। पैराकाइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। दोस्तों इसको आप ध्यान से याद रखिएगा कि पौधों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक कौन सा होता है, तो वो होते हैं पैराकाइमा। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। तो याद रखिएगा, पैराकाइमा वो है जो सबसे ज़्यादा सरल ऊतक पाया जाता है पादपों में, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, ये प्राय बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है, ये ऊतक भोजन का भंडारण करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, पैराकाइमा जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सरल ऊतक है पौधों के अंदर, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, इनका काम क्या होता है, ये ऊतक भोजनों का भंडारण करती हैं।
आगे देख लीजिए दोस्तों, आपके पास कुछ एग्जांपल्स, ये आपके पास इस इमेज के बारे में हम आगे ज़रूर पढ़ेंगे डिटेल्स की डिटेल के साथ। आगे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, सरल ऊतक का पैराकाइमा अनुप्रस्थ सेक्शन में होता है, अनुदैर्ध्य सेक्शन में होता है, और दूसरा कौन सा है, काले काइमा, ये अनुप्रस्थ सेक्शन में होता है और ये भी अनुदैर्ध्य सेक्शन में होता है। तो दो सरल ऊतक मिल गए आपको यहाँ पे, एक हो गया पैराकाइमा और दूसरा हो गया आपका काले काइमा। तो दोस्तों ये हमारे जो बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 टिश्यू पढ़ रहे हैं, ये इसका पार्ट वन मैंने आज आपको करवाया है। दोस्तों मैं वीडियो शॉर्ट रख रहा हूँ अभी ताकि आप लोग इसे आराम से जल्दी से कर सकें, लेकिन अगर जल्दी मैं आपके लिए और इसके जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट करके इस चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा, और चैप्टर के एंड में मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड जो भी हम पढ़ेंगे उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो आपके लिए एसएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये आपके लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, इसके जल्द पार्ट अगले पार्ट का इंतज़ार करें, वो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया है तो दोस्तों इसे आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को बताएं कि आप एनसीईआरटी का वीडियो मेरे चैनल पर आकर के आराम से देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। और दोस्तों एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपके पास बुक नहीं है या टाइम नहीं है तो आप सिंपली इस वीडियो को देख करके आप एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। मैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर करवाऊंगा 9th 10th क्लास का आपको। दोस्तों अगर आप लूसेंट या स्पीडी पढ़ते हैं वन लाइनर, तो आप उसे कई समय के लिए माइंड में रिकॉल या रिमाइंड करके नहीं रख सकते हैं, तो दोस्तों आप इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में।